के रहेंगे भारत के लिए, हम लेके रहेंगे भारत के लिए। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी। बजरिए मुस्लिम इत्तेहाद ही मिलेगी कश्मीर को आजादी। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका खेल रहे हैं, दरमियान में कश्मीर इंतहाई उदास है, खस्ता हाल और जख्मी हालत में सबकी तरफ मदद के लिए देख रहा है। दोनों ममालिक तुर्की और पाकिस्तान अमेरिका के पास जाते हैं। भाई अमेरिका इंडिया कश्मीर पर निहायत जुल्म कर रहा है, वहां कर्फ्यू लगा रखा है, इंडिया की बात जरूर मानेगा। मुझे तंग ना करो, अपने मसाइल को हल करो। हाँ, इंडिया तो मेरा दोस्त है, तो उसकी शिकायत लगाना है थे बेवकूफ। बाकी ममालिक खेल में मगन हैं। रास्ते में ईरान मिलता है, उन्हें परेशान देखकर ईरान पूछता है, भाई पाकिस्तान और तुर्की क्यों इधर उधर परेशान कर रहे हैं? हम कश्मीर की आजादी और हके खुदे इरादियत के लिए अमेरिका के पास गए थे, उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। क्या आप हमारी मदद करेंगे कश्मीर को आजादी दिलाने में? जरूर मदद करूंगा, लेकिन अमेरिका ने मुझ पर भी बहुत सी पाबंदियां लगाई हैं, कुछ अर्से तक मैं आपस नहीं दे सकूंगा। सऊदी अरब और अमेरिका आपस में अपने ताल्लुकात इस्तवार करने में मसरूफ हैं, खेल रहे हैं। तुर्की कश्मीर के साथ बैठ जाता है। पाकिस्तान सऊदी अरब के पास पहुंचता है। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं अभी मजबूत बात न करना। भाई कश्मीर हमारा मुस्लिम भाई है, उसे आजादी करने का हक हासिल है, आप मेरे साथ चले। मैं क्या हर एक की मदद करता हूँ, तुम अपना मसला को हल करो, मेरा अपने भी मजा आए। पाकिस्तान उदास होकर कश्मीर और तुर्की के पास पहुंचता है और अचानक एक गरजदार आवाज आती है और तमाम मुस्लिम ममालिक भाई इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। पस मंजर में एक हदीस सुनाई जाती है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ऐ मुसलमानों तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया था, तुम सब एक जिस्म की मानिंद हो, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है, तो नबी के फरमान के मुताबिक कश्मीर की तकलीफ क्यों महसूस नहीं करते? तमाम मालिक इस आवाज के एहसास से शर्मिंदा होते हैं। तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब हाथों की जंजीर बनाते हैं और कश्मीर की मदद को पहुंचते हैं, इसको हिसार में ले लेते हैं और सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये वक्त जल्द लेकर आए कि तमाम मुस्लिम ममालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में मुस्लिम इत्तेहाद के साथ कश्मीर की आजादी के लिए हकीकी जद्दोजहद करें। जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी।
जिंदा है पर मांग रही है जीने की आजादी, बजरिया मुस्लिम इत्तेहाद ही मिलेगी कश्मीर को आजादी। मेरे